आतंकवादियों और अलगाववादियों की पनाहगाह बन चुके कनाडा की भारत ने ऐसी खबर ली कि वहां की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अक्ल ठिकाने आ गई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले ट्रूडो भारत से दोस्ती की वकालत करते नजर आए। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस मुलाकात के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक संकट के बारे में भी बातचीत होगी। I don't want to preview the conversations he will have in that meeting, but as we've made clear, we've raised this, we have engaged with our Indian counterparts on this and encouraged them to cooperate with the Canadian investigation, and we continue to encourage them to cooperate. जयशंकर और ब्लिंकन के बीच होने वाली बातचीत के मुद्दे पर ही अमेरिका ने खामोशी इख्तियार नहीं कर रखी है, बल्कि अमेरिका ने इस बारे में भी बताने से इनकार कर दिया कि कनाडा की जांच में भारत सहयोग करने को तैयार है भी या नहीं। Engagement you had with the Indians, do you see sense of cooperation from them? I'm not going to speak to our private diplomatic conversations. हालांकि जिस तरह इस पूरे विवाद में अमेरिका ने कनाडा का पक्ष लिया है, उससे ये जरूर तय है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत भारत उसे अपनी चिंताओं से अवगत कराएगा। एस जयशंकर अमेरिका को कड़ा संदेश जरूर देंगे, जो कनाडा जैसे मुल्क का पक्ष ले रहा है जिसने आतंकियों और गैंगस्टर्स को पनाह दे रखी है। जस्टिन ट्रूडो को उम्मीद थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने कनाडा का मुद्दा उठाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि ब्लिंकन कनाडा की चिंताओं से भारत को अवगत कराएंगे। लिहाजा जयशंकर और ब्लिंकन की मीटिंग से पहले जस्टिन ट्रूडो अमेरिका से भारत के सामने इस मामले को उठाने की गुहार लगाते नजर आए। The Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is that they be involved in following up on the credible allegations that agents of the Indian government killed a Canadian citizen on Canadian soil. लेकिन एक बार फिर जस्टिन ट्रूडो को मुंह की खानी पड़ी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आतंकी निज्जर की हत्या के मामले को नहीं उठाया। विदेश विभाग के मुताबिक ब्लिंकन और जयशंकर के बीच भारत की G20 अध्यक्षता, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, डिफेंस, स्पेस और ग्रीन एनर्जी पर चर्चा हुई। जानकारों की माने तो अमेरिका के कनाडा से करीबी रिश्ते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अमेरिका कनाडा के लिए भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को हाशिए पर नहीं रख सकता। यही नहीं, कनाडा से अमेरिका नाराज भी है, क्योंकि उसने आतंकी निज्जर के मामले में भारत पर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए। अमेरिका को लगता है कि ट्रूडो ने इस मामले को सार्वजनिक कर बड़ी गलती की है, तो शायद यही वजह भी है कि ब्लिंकन और जयशंकर की मीटिंग के बाद भी अमेरिका की ओर से कनाडा मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ब्लिंकन और एस जयशंकर की मुलाकात को लेकर कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। पत्रकार सवाल पूछते रह गए और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उन सवालों को दरकिनार करते रहे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सिर्फ इतना कहा कि वो भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत का कोई ब्यौरा नहीं दे सकते। So one of the practices I'm going to what Secretary Blinken or other representatives of this department will say in their meetings before. I will speak for myself. Before the secretary has a chance to say it directly to those counterparts. इसके बाद विदेशी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि कनाडा की जांच में सहयोग करने की अमेरिकी अपील को लेकर भारत का क्या रुख है। In your continuous engagement, when you're urging the Indian government to cooperate, what kind of feedback are you getting? I'm not going to speak to. They can speak for themselves. I'm not going to speak to what they say in private diplomatic conversations. I will speak to what I say or what we say. जाहिर है भारत कनाडा के बीच जारी तनातनी अमेरिका के लिए एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, लिहाजा वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ना तो अमेरिका की मजबूरी को समझ रहे हैं और ना ही खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगाम लगा रहे हैं। उल्टा उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह आतंकी निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका को साबित करें। लिहाजा कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले की जांच में जुटी है। निज्जर की हत्या की तफ्तीश का जिम्मा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की IHIT को दिया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को अब तक की जांच में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिस गुरुद्वारे के बाहर निज्जर को मारा गया, वहां लगे CCTV की फुटेज के आधार पर कनाडा की पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है।
ब्रिटिश कोलंबिया के सरे स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब के प्रवक्ता गुरकीरत सिंह के मुताबिक आरोपी लंबे समय से निज्जर पर नजर गड़ाए बैठे थे। गुरकीरत सिंह ने सीसीटीवी फुटेज देखा है और उनके मुताबिक निज्जर के हत्यारे उसकी दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ थे। मतलब ये कि आतंकी निज्जर को सोच समझ कर मारा गया, लेकिन सवाल है कैसे, क्योंकि हरदीप के बेटे बलराज निज्जर ने दावा किया कि उसके पिता की कैनेडाई खुफिया सेवा के अधिकारियों के साथ हफ्ते में एक या दो बार रोजाना बैठकें होती थी। मतलब आतंकी निज्जर की सिक्योरिटी टाइट थी। वैसे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ भी हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि भारत को घेरने और बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने निज्जर की हत्या करवाई। अब सवाल उठता है कि कनाडा में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी निज्जर की हत्या कैसे करवा सकती है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी निज्जर और कनाडा में सक्रिय ISI एजेंट्स के बीच मुलाकातें होती रहती थीं। फंडिंग से लेकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी। यही नहीं, कनाडा में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के दो एजेंट्स राहत राव और तारिक कियानी मौजूद हैं। वो कथित तौर पर उन आतंकवादियों के भी हैंडलर हैं जो भारत से आ रहे हैं और मोस्ट वांटेड की सूची में हैं। संभावित व्यावसायिक कारणों और नए ड्रग पेडलर्स से अधिक फिरौती पाने के लिए राव और कियानी निज्जर की हत्या को अंजाम दे सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर के पड़ोस में ISI के कई पूर्व अधिकारी रहते हैं। आतंकी निज्जर को खत्म करने का काम शायद ISI के इन्हीं लोगों में से किसी को दिया गया होगा। वैसे भी किसी अनजान व्यक्ति के लिए निज्जर के करीब जाना नामुमकिन था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहता था। जबकि निज्जर किसी के करीब था तो वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और उसके एजेंट्स थे। एक तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादियों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पैसे दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स के धंधे के लिए खून खराबा भी करवा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इस सब की पूरी जानकारी है, लेकिन वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। यही नहीं, ट्रूडो ने कनाडा में रह रहे बलोच समुदाय के लोगों पर हो रहे हमलों पर आंखें मूंद रखी हैं। लिहाजा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से कनाडा की मुखालफत में आवाजें उठ रही हैं। बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच की हत्या पर कनाडा सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। करीमा के पति ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठाया है। There is no doubt that the Pakistani military establishment, especially the Pakistani ISI and intelligence are behind Karima's killing. करीमा बलोच अपने लोगों के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी। धमकियां मिलने के बाद वो 2016 में भागकर कनाडा पहुंच गई। 20 अगस्त 2020 को जब बाहर घूमने निकली तो वापस नहीं लौटी और दो दिन बाद उनका शव ओंटारियो झील के पास मिला। पुलिस ने इसे साधारण मौत बताकर केस बंद कर दिया, जबकि उनके पति तब से कनाडा सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और आतंकी पैरोकारी करने वाले खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के लिए रेड कार्पेट बिछाने वाले जस्टिन ट्रूडो सवालों के घेरे में हैं। यही नहीं, बलूचिस्तान के लोगों के साथ बांग्लादेश ने भी जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की सरकार को घेरा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को आईना दिखाते हुए कनाडा को हथियारों का अड्डा कहा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने कनाडा पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि कनाडा को सभी हथियारों का केंद्र नहीं होना चाहिए। हथियारे कनाडा जा सकते हैं और शरण ले सकते हैं और वो एक शानदार जीवन जी सकते हैं। जिनको उन लोगों ने मार डाला, उनके रिश्तेदार पीड़ित हो रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे नूर चौधरी के प्रत्यर्पण से कनाडा ने इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही बांग्लादेश कनाडा से नाराज है। कनाडा का कहना है कि वो मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं बांग्लादेश इसे अपराधियों और आतंकवादियों के लिए संभावित बचाव का रास्ता मानता है। वही खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में FIR दर्ज की गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप मैच में हमले की धमकी दी थी। आतंकी पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज में PM मोदी को आतंकी निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सिक्स फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। पन्नू ने 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच को टारगेट करने की धमकी दी। भारत पाकिस्तान मैच को निशाना बनाने और अहमदाबाद स्टेडियम में खालिस्तानी झंडा फहराने की बात कही। अज्ञात मोबाइल नंबर से धमकी भरी एक ऑडियो क्लिप अलग अलग लोगों को भेजी गई। इस ऑडियो क्लिप के अंत में धमकी देने वाले शख्स ने खुद को गुरपतवंत सिंह पन्नू बताया, जिसके बाद गुजरात पुलिस हरकत में आई और FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर से चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे। PM मोदी 2 और 5 अक्टूबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश और 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़, तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान PM मोदी कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कल होने वाले मध्य प्रदेश दौरे में बदलाव किया गया है। राहुल गांधी कल भोपाल की बजाय इंदौर जाएंगे। भोपाल में वायुसेना के एयर शो की वजह से किसी भी विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 118वें वार्षिक सत्र में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य 2037 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित देश बनाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली पार्टी मुख्यालय में सभी महामंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। और बात पत्रिकी में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में भीषण आग लगी है। आग इतनी भीषण है कि मंडी की दर्जनों दुकानें धू धू कर जलती हुई नजर आ रही हैं। भीषण आग को देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सब्जी मंडी में भारी मात्रा में प्लास्टिक का सामान रखा है, जिसमें प्लास्टिक की क्रेट, प्लास्टिक की शीट और कपड़े के सामान शामिल है, और इसी की वजह से यह आग बहुत तेजी से भड़क रही है और मंडी के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी है। सब्जी मंडी दुकानदारों ने दुकानों को आग से बचाने के लिए आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। इन ऊंची उठती हुई लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण है। और ताजा अपडेट इस समय का हम आपको बता दें, खबर हमें मिल रही है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां, 20 से ज्यादा गाड़ियां इस आग पर काबू पाने पहुंची थी, और अब फिलहाल का अपडेट यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के भोगल इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम से 24 सितंबर की रात 25 करोड़ रुपए के गहने चुरा लिए गए थे। इस चोरी में शामिल तीनों आरोपी छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 18.5 किलो सोना और हीरे जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपियों से 12.5 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों में चोरी का मास्टरमाइंड लोकेश श्रीवास भी शामिल है। उस पर छत्तीसगढ़ में अलग अलग 7 चोरियों के मामले दर्ज हैं। आरोपी एक हाई प्रोफाइल टाइप का चोर था, ये छोटी चोरियां करता ही नहीं था। अभी कुछ ही दिनों पूर्व आपके संज्ञान में भी होगा, कवर्धा में इसने 2 करोड़ की चोरी की थी। छत्तीसगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जब स्मृति नगर थाना क्षेत्र के एक घर पर छापा मारा तो वहां सोने के गहने चादर पर बिछे मिले। दिल्ली पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और बिलासपुर पुलिस ने मिलकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 सितंबर की रात चोर दिल्ली के भोगल इलाके के उमराव सिंह ज्वेलरी शोरूम में घुस गए थे। स्ट्रांग रूम की दीवार काट कर 25 करोड़ की चोरी की गई थी। इस चोरी के बारे में दिल्ली पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लोकेश श्रीवास पहले भी कई चोरियों का मास्टरमाइंड रहा है। वो ज्यादातर गहनों की दुकानों को अपना निशाना बनाता था। और लोकेश श्रीवास भोगल के ज्वेलरी शोरूम में 24 सितंबर की रात ही घुस गया था और 25 सितंबर की शाम बाहर निकला था। पुलिस टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से लोकेश तक पहुंची। चोरी में शामिल दूसरे आरोपी का नाम शिवा है। लोकेश और शिवा ने मिलकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कई चोरियों को अंजाम दिया था। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियां की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का धन्यवाद किया है। दिल्ली पुलिस के, छत्तीसगढ़ की पुलिस के बहुत आभारी है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। पुलिस को लोकेश के साथ शिवा के पास से भी 23 लाख रुपए नकद मिले हैं। उज्जैन में बच्ची के रेप के आरोपी ऑटो ड्राइवर को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इससे पहले पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, और जब पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर भरत को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच बता दिया। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने ही बच्ची को जीवन खेड़ी इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर अपने साथी की मदद से बच्ची को हाटकेश्वर कॉलोनी में छुड़वा दिया ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। इससे पहले आरोपी ये दावा करता रहा है कि उसने सिर्फ बच्ची की मदद करने के लिए ही उसे ऑटो में बैठाया था, लेकिन तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद उसका झूठ पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में एक और ऑटो ड्राइवर को आरोपी बनाया है, क्योंकि उसने साथ से छुपाए ऑटो में उसके ब्लड के निशान मिले हैं, तो उसको इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक एक और ऑटो ड्राइवर वहां था जो आरोपी भरत की मदद कर रहा था और दुष्कर्म की वारदात के बाद उसी ने बच्ची को हाटकेश्वर कॉलोनी में ले जाकर छोड़ दिया था। आरोपी ऑटो ड्राइवर ने जिस जगह पर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने उसी जगह पर आरोपी भरत को ले जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश भी की, और जब पुलिस घटनास्थल पर जाकर घटना से जुड़े सबूत जुटा रही थी, इसी दौरान आरोपी भरत ने पुलिस के जवानों को धक्का दिया और पुलिस के चंगुल से भाग निकला।
जब घटनास्थल को रिक्रिएट करने हम लोग जा रहे थे तो उसमें भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए और पुलिस फोर्स को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया, लेकिन पुलिस ने आखिरकार आरोपी को घेर कर धर दबोचा। हमारे दो पुलिस अधिकारी भी चोटे इसमें हुए हैं। इस घटना के बाद पुलिस आरोपी और घायल पुलिस वालों को अस्पताल लेकर आई, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म की हुई इस घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक तरफ पुलिस ने बच्ची को गोद लेकर उसको पढ़ाने लिखाने की बात कही है, तो वहीं वकीलों ने भी आरोपियों का केस ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। और उज्जैन बार एसोसिएशन ने यह फैसला लिया कि कोई भी आरोपियों के केस की पैरवी नहीं करेगा। मैं हमारे सारे अधिवक्ताओं को ये से अनुरोध कर रहा हूँ कि ऐसे दरिंदों की कोई पैरवी नहीं करे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इससे पहले थाना महाकाल प्रभारी अजय वर्मा ने बच्ची को गोद लेकर उसे पढ़ाने लिखाने का फैसला लिया। हालांकि बच्ची के परिवार की तरफ से अनुमति मिलने के बाद ही वो बच्ची को गोद लेंगे और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। थाना प्रभारी अजय वर्मा जी का मानना था कि अगर वो केस को जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं और पिता उनके तैयार रहते हैं आर्थिक सहायता के लिए, तो शिक्षा का वो उठाएंगे। वहीं राहत की बात ये है कि बच्ची की हालत में लगातार सुधार हो रहा है, बच्ची की सर्जरी भी सफल रही और वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। इसी बीच उज्जैन की घटना पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं जो बहन बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं। और उज्जैन की घटना पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोपियों के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जीने का अधिकार नहीं है जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि उज्जैन की घटना से भारत माता को आघात पहुंचा है। बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मैं जो सबसे ताजा रिपोर्ट देखकर आ रहा हूं, तो मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है और इसके अलावा अगर कुल मिलाए तो 4 या 5 आरोपी इनको चिन्हित करके तुरंत पकड़ा भी गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। नारी शक्ति वंदन बिल यानी महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को हरी झंडी भी दिखा दी है। राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण बिल को आज मंजूरी दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी की। अब लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। इसी महीने संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ था। सरकार ने 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया था। 20 सितंबर को लोकसभा में 2/3 बहुमत से ये बिल पास हुआ था। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 215 वोट पड़े थे। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को विधेयक को मंजूरी दे दी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव से पहले ये आरक्षण संभव नहीं है, क्योंकि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा और उसके बाद ही ये जो 1/3 आरक्षण है महिलाओं को मिल पाएगा। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग उठने लगी है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नीतीश में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं। प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार को बनाया जाए, हमारी व्यक्तिगत राय है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी INDI गठबंधन से किसी भी हालत में अलग नहीं होगी। आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। धामी के दौरे के दौरान उत्तराखंड में 12,000 करोड़ के निवेश पर MOU साइन हुए हैं। TMC नेता अभिषेक बनर्जी 3 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक को समन किया है। अभिषेक बनर्जी 3 अक्टूबर को दिल्ली में TMC के प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर कर्नाटक बंद का अच्छा खासा असर देखा गया। बेंगलुरु, माइया और हुबली समेत कर्नाटक के कई शहरों में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु को कावेरी का पानी दिए जाने के विरोध में कन्नड़ समाज से जुड़े संगठनों ने कर्नाटक बंद का आह्वान किया और इसके लिए लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग अपने हाथों में प्लास्टिक के डिब्बे और झाड़ू लेकर प्रदर्शन करते नजर आए।
प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग सड़क पर ही लेट गए जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग नारेबाजी करते दिखाई दिए। बेंगलुरु से ही सामने आई दूसरी तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी पोस्टर लेकर आगे बढ़ते नजर आए। कुछ ही देर में वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वहां मौजूद पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। हालात बेकाबू होते देख पुलिसकर्मियों ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों को एक बस में भरकर उन्हें अपने साथ ले गए। कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर बुलाए गए कर्नाटक बंद का वहां के किसान संघ ही नहीं बल्कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने भी समर्थन किया और तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं छोड़ने की अपील की। तो वहीं बेंगलुरु में काफी तादाद में महिलाएं सड़क पर उतरी और अपना विरोध जताया। कावेरी वाटर तमिलनाडु को नहीं छोड़ना है सर, अब तो कर्नाटक पे कावेरी पानी तो कम है, इसीलिए तमिलनाडु को नहीं छोड़ना है। बारिश नहीं है ये साल पे, लास्ट ईयर बारिश था, छोड़ दिया पानी। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अनूठा तरीका अपनाया। एक आदमी बीच सड़क पर ही नहाने लगा जबकि बाकी लोग उसकी मदद करते दिखे। हमको इधर पीने के लिए पानी नहीं है, तमिलनाडु के लिए पीने के लिए हमको पानी नहीं है। उधर क्या इरुली आता है ना, वो खेती करने के लिए वो पानी पूछता है। पहला हमको आदमी को पहला चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए। कर्नाटक बंद के दौरान सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें मिली हैं। मांड्या में कर्नाटक किसान संघ से जुड़े लोगों ने भी बंद का समर्थन किया और प्रदर्शन कर तमिलनाडु को पानी दिए जाने पर अपनी नाराजगी जताई। वहीं कर्नाटक के हुबली में बड़े बड़े पोस्टर लेकर लोगों ने हंगामा किया। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान अलग अलग इलाकों से पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद का खासा असर देखने को मिला। हालांकि बंद को देखते हुए बेंगलुरु प्रशासन ने पहले से ही स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया था। इसके बावजूद बंद का आवाजाही पर काफी असर पड़ा और कर्नाटक बंद की वजह से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 40 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। राज्य परिवहन निगम ने भी मैसूर और मांड्या समेत कर्नाटक के कई इलाकों में अपनी बस सेवाओं को रोक दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़क बंद किया जिसके बाद बेंगलुरु के कई इलाकों में भारी जाम भी लग गया। जाम लगने से लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिसके बाद बेंगलुरु के ट्रैफिक विभाग के डीजीपी आलोक कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले शैलेंद्र ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि कैसे हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत के लोगों को फंसाती है और फिर आईएसआई भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल जासूसी के लिए करती है। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले शैलेंद्र ने कबूल किया कि उसे हनी ट्रैप किया गया और उसे हनी ट्रैप करने वाली आईएसआई की हैंडलर का कोड नाम है मैडम जेड और इस मैडम जेड ने फेसबुक पर प्रीति शर्मा के नाम से फेक प्रोफाइल बना रखा है। प्रीति शर्मा नाम की ये प्रोफाइल फेसबुक पर बनाई गई थी और इसी के जरिए शैलेंद्र से संपर्क किया गया था। फेसबुक पर युवाओं को फंसाने के लिए इस प्रोफाइल में एक सुंदर लड़की की फोटो लगाई गई। प्रोफाइल में प्रीति ने दावा किया कि वो इंग्लैंड में पढ़ाई करती है। ये जो प्रोफाइल है ये उसी मैडम जेड की है जिसने आईएसआई के लिए तमाम लोगों को फंसाया है और उनसे जासूसी करवाई है। आईएसआई की इसी मैडम जेड ने शैलेंद्र को देश से गद्दारी करने पर मजबूर किया। हनी ट्रैप होने के बाद शैलेंद्र ने सेना से जुड़ी जानकारियां और तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। लेकिन आईएसआई की हनी ट्रैप वाली साजिश में फंसने के बाद आखिर कैसे शैलेंद्र ने जासूसी के काम को अंजाम दिया? उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ में शैलेंद्र ने उस हथियार का भी खुलासा किया जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जासूसी के लिए इस्तेमाल करती है। और आईएसआई का वो हथियार है एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर या मैलवेयर जो आमतौर पर यूजर्स की इजाजत के बिना किसी डिवाइस पर इंस्टॉल किया जाता है। मैडम जेड ने बकायदा शैलेंद्र को एक स्पाईवेयर वायरस भेजा था और ये भी कहा उसको फैलाना भी है, मतलब कई सैन्य अधिकारियों के मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर ये उसको स्टोर भी करना है। और शैलेंद्र ने आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर किया भी वही जो उसे मैडम जेड से निर्देश मिला था।
जी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि स्पाईवेयर लिंक के जरिए इन्फेक्टेड फाइल भेजकर डेटा हैकिंग की जा रही है। ये स्पाईवेयर वायरस है जिसके जरिए ISI का जो हनी ट्रैप का पूरा जाल है वो फैलाया जाता है। तमाम जो जानकारियां इकट्ठा करनी होती हैं वो इसी स्पाईवेयर वायरस के जरिए तमाम जगहों पर भेज दिया जाता है वायरस, और वहां से जो डाटा होता है उसको जो है रिसीव किया जाता है। और ISI के निशाने पर होते हैं सेना और संवेदनशील संस्थानों में काम कर रहे अधिकारी। बातचीत के दौरान तमाम जो कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन्स में ये वायरस भेजा जाता है। अब तक खुफिया एजेंसियों ने हनी ट्रैप के शिकार कई लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के हवाले कर दी। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे भारत के नागरिक हनी ट्रैप होने के साथ साथ जासूसी करने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर ISI का हनी ट्रैप का मॉड्यूल क्या है और ये कितना बड़ा है, देखिए ये रिपोर्ट। तो हम आपको बता दें कि ISI ने हनी ट्रैप मॉड्यूल को चलाने के लिए सैकड़ों लड़कियों को भर्ती कर रखा है। ISI ने पाकिस्तान के कई शहरों में कॉल सेंटर खोल रखे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों में कॉल सेंटर चल रहे हैं जिनमें ISI के एजेंट ये लड़कियां सबसे पहले सोशल मीडिया पर फर्जी ID बनाती हैं और फिर टारगेट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद ISI की लड़कियां टारगेट से प्यार भरी बातें करती हैं। दोस्ती होने के बाद टारगेट को शादी का झांसा दिया जाता है। फिर टारगेट ISI के एजेंट से पर्सनल चैट करने लगता है जिसे ISI रिकॉर्ड कर लेती है। ISI के एजेंट फिर टारगेट से जासूसी करने के लिए कहती है और प्यार के जाल में फंसने के बाद टारगेट जासूसी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन अगर टारगेट जासूसी से इनकार करता है तो रिकॉर्ड चैट के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जाता है। जासूसी नहीं करने पर चैट और वीडियो पब्लिक करने की धमकी दी जाती है। खुलासा हुआ है कि ISI की इकाई पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने सुंदर युवतियों की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सैकड़ों फर्जी अकाउंट बनाए हैं। सभी अकाउंट भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर खोले गए हैं। पंजाब के मोगा में पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे एक व्यक्ति का जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो उसके पेट में पड़ी चीजों को देखकर हैरान रह गए। मोगा मेडिसिटी में हुई इस हैरतअंगेज सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने मरीज के पेट से ईयरफोन, नट बोल्ट और कई स्क्रू निकाले। 40 साल के कुलदीप नाम के इस मरीज के पेट से राखी, माला, लॉकेट और सेफ्टी पिन भी निकाली गई। सर्जरी में शामिल डॉक्टर्स ने बताया कि 3 घंटे चली सर्जरी में कुलदीप के पेट से छोटी बड़ी करीब 100 चीजें निकाली गई। कई दिनों से पेट दर्द होने के बावजूद कुलदीप 26 सितंबर को मोगा मेडिसिटी में इलाज करवाने पहुंचा था जहां उसके पेट का एक्सरे करने के बाद डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज, उन्होंने बताया कि कुलदीप पिका डिसऑर्डर नाम की बीमारी से पीड़ित है। इस डिसऑर्डर से पीड़ित शख्स उन चीजों को भी निगल लेता है जो खाने की नहीं होती है। मरीज कुलदीप के घर वालों का कहना है कि वो काफी समय से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुराने विवाद को लेकर हॉस्टल और बाहर के छात्र आपस में भिड़ गए। छात्रों के एक गुट ने पुलिस की मौजूदगी में छात्र के साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में प्लास्टिक के कबाड़ को रिसाइकल कर पाइप बनाए जाते थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक यात्री बस बेकाबू होकर पुलिया से नदी में गिर गई। बस में 25 यात्री सवार थे। हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। लखनऊ में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। राहत बचाव की टीम ने 7 लोगों को रेस्क्यू किया है। मलबे में अभी और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। जौहर ट्रस्ट मामले में आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जौहर ट्रस्ट केस में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि के बाद आजम खान मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी गई है। ED जल्द से जौहर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को पूछताछ के लिए समन जारी करेगा। प्रयागराज पुलिस उमेशपाल हत्याकांड में गिरफ्तार अशरफ अहमद के रिश्तेदार सद्दाम से पूछताछ के लिए जल्द ही कोर्ट में अर्जी देगी। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद पुलिस उसे बरेली जेल ले जाकर पूछताछ कर सकती है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाने की मांग की है। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी सचिन बिश्नोई को दिल्ली से लाकर मनसा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सचिन बिश्नोई को 6 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। और अब बात एशियन गेम्स की, जहां भारतीय शूटर्स का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। इससे पहले भारतीय शूटर्स ने 2006 में कतर की राजधानी दोहा में हुए एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा 14 मेडल्स जीते थे।
और शुक्रवार को इसकी शुरुआत शूटिंग की मेंस टीम स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और अखिल श्योराण की तिकड़ी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन इवेंट में गोल्ड जीत कर की। तिरंगे को सबसे ऊंचा उठाने की चमक इनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। इतना स्पेशल हो जाता है जब आप जीत तो रही हैं, गोल्ड जीत रहे हैं, लेकिन साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। काफी स्पेशल होता है, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग कि आपने एक मार्क सेट कर दिया है कि वी आर हियर, जस्ट चेज अस। गोल्ड की चमक और बढ़ गई जब 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन इवेंट में भारत ने पहले और दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। 17 साल की शूटर पलक ने गोल्ड और ईशा सिंह ने सिल्वर जीता। In certain things that I change with my technique and all, it was a risk, but I feel if you don't take risks, I mean, you can't ever become anything. शूटिंग में मेडल्स की बारिश इसके बाद भी हल्की नहीं पड़ी, बल्कि 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स टीम इवेंट में दिव्या थाड़ी गोल, ईशा सिंह और पलक ने सिल्वर जीतकर चांदी चांदी कर दी। वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन इवेंट में सिल्वर जीता। पीएम मोदी ने सभी मेडल विजेताओं को बधाई दी और देश के लिए गर्व का पल बताया। तो देखा आपने, एशियन गेम्स में भारतीय शूटर्स ने इस बार झंडा गाड़ दिया है, कमाल कर दिया, और भारतीय शूटर्स का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। इससे पहले भारतीय शूटर्स ने 2006 में कतर की राजधानी दोहा में हुए एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते थे और वो मेडल्स की संख्या थी 14। लेकिन इस बार भारतीय शूटर्स ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शूटिंग में अब तक भारत के 18 मेडल आ चुके हैं, जिनमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल हैं। उधर चीन के होंगझोउ में तिरंगा ऊंचा उठता है और मेडल की चमक भारत को रोशन करती है, जिसकी खुशी खिलाड़ियों के गांव घर तक दिखाई दे रही है। अंबाला के सरबजोत सिंह ने अपनी टीम के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस इवेंट में गोल्ड जीता। बेटे की इस गोल्डन कामयाबी ने पिता को गर्व से भर दिया है। वहीं शूटर पलक गुलिया के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीतने के बाद हरियाणा के झज्जर में उनके घर के बाहर जश्न का माहौल दिखाई दिया। इसके इतर 6 दिन बाद जाकर एशियन गेम्स में पाकिस्तान का खाता खुला। 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स इवेंट में तलत किशमाला ने ब्रॉन्ज जीतकर पाकिस्तान को पहला मेडल दिया। 12 सुखोई फाइटर जेट का सौदा फाइनल होने के बाद भारत अब रूस से MiG-29 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस सौदे की बातचीत काफी आगे पहुंच चुकी है। भारतीय वायुसेना करीब 3 दशकों से MiG-29 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है और वो इनसे काफी संतुष्ट है। वायुसेना के पास MiG-29 की अभी 3 स्क्वाड्रन है, जिन पर चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। इसी साल अगस्त में MiG-29 के एक स्क्वाड्रन को श्रीनगर एयरबेस पर तैनात किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत रूस से MiG-29 की बॉडी खरीदेगा और फिर भारत में ही जरूरत के मुताबिक उसमें रडार, मिसाइल और दूसरे उपकरण लगाए जाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि नए MiG-29 फाइटर जेट्स पर नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की जाएगी। नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 1.5 टन होगा और उसकी रेंज 1200 किलोमीटर तक होगी। फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना के पास इस समय फाइटर जेट स्क्वाड्रन की 30 फ्लीट है, जबकि चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर सुरक्षा के लिए वायुसेना को 41 स्क्वाड्रन की जरूरत है। कहा यह जा रहा है कि एक साल के अंदर MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगी, जिसके बाद फाइटर जेट्स की कमी और बढ़ जाएगी। Z News.